तो ये जो आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं जेरी वाली, ये सच है। और मुझे डायरेक्ट पता नहीं चली थी, मुझे पता चली थी अंशु के थ्रू। अंशु ने मुझे बताया था कॉल करके। और मम्मी पापा जी से मेरी बात होती नहीं है, वो मतलब उस टाइम से ही काफ़ी टाइम हो गया। मतलब एक बार मेरी बात हुई थी, उस बार फिर लास्ट फिर मैंने कभी बात नहीं की, ना उनका कोई फ़ोन आया। और ये सच है, जो भी हुआ है ये सच है। और जो पहले फेक वीडियोस बन रही थी, एक साल पहले भी ये चीज़ बनी थी, हमारे ऊपर भी खुद फेक वीडियोस बनती हैं। तो मुझे भी ये नहीं था कि ये सच है, क्योंकि मुझे तो उसके दो तीन दिन बाद पता चला है कि ये सच है। जो वीडियो बन रही हैं ये फेक है या रियल है, मैं खुद सर्च कर रही थी ये चीज़ बार बार कि रियल फ़ोटो आ जाए, रियल फ़ोटो आ जाए। तो मैं सर्च भी कर रही थी ना, तो एक साल पुरानी वीडियोज़ ऐसे करके आ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे सबने मेरे लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए फेक वीडियोज़ बनाई थी कि ये डेथ हो गई इसकी, उसकी हो गई, ऐसे करके ऐसी जैरी की बनाई थी। और मुझे क्या कमेंट्स भी आ रहे थे कि ऐसा है ऐसा है, मैं कि ऐसा होता तो मुझे पता चल जाता कहीं ना कहीं से, पर ऐसा नहीं है। फिर मुझे अंशु ने बताया, अंशु से मेरी बात हुई, फिर उसके बाद अंशु का फ़ोन आता कि भाभी ऐसा हो गया। तब एकदम हाथ पैर कंपने लग गए थे कि क्या है, ये सच है कि झूठ है, और बुरा लगना या क्या, ये तो कुछ शब्द ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, हम सब दूर हो गए हैं, फिर एक एक करके सब जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है। और मैं बोल मतलब ऐसा लग रहा था एक बार अंशु मेरे पास आ जाए, बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और रही बात बताने की ना बताने की, जब मुझे खुद ही नहीं पता ये चीज़ हो गई है, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, पर मेरे को लगा ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं उल्टे सीधे कमेंट, तो मैंने सोचा वैसे ही कर रहे हैं, फेक है ये। मैं खुद गूगल पे सर्च कर रही थी कि क्या ये सही है या फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, क्या हो रहा है। और जो वो वीडियो, जो फ़ोटो वोटो और लोगों ने देखा था, वो भी मैं सर्च कर रही थी पर मुझे नहीं मिल रहे थे। वो भी साइड वाले जो कोई हैं हमारे पड़ोस में, वो उन्होंने डाले थे। ना अंशु के पास फ़ोटो थे, ना मेरे पास फ़ोटो थी, ना अंशु को पता चली, उसने फिर मेरे को तुरंत मेरे को बताई थी। हमें पता ही नहीं थी ना इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, पता होती क्यों नहीं बताते यार। फिर बोलते कि किसी को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा भाई, वो बच्चा था हमारा। कुछ भी बोलने से पहले मैं कहूँगी सोचना चाहिए। मैं बोल रही हूँ अंशु यहाँ पे मेरे पास आ जा, पर उसकी भी मजबूरी है, वो भी नहीं आ सकती।